नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आर्मी और SSGD वाले के लिए हम यह बुक शुरू किए हुए हैं और इस बुक से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो बना रहे हैं और शायद यहां साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का भी छठा वीडियो होगा। दोस्तों, यदि प्रत्येक वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। और दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हर भाई को इस वीडियो से लाभ मिल सके और आसानी से मैथ को बना सके, ठीक है। दोस्तों, पिछले 12-13 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा इसलिए कि मेरा माइक जो है ख़राब हो चुका था, ठीक है, तो माइक के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। दोस्तों, कहने का मतलब जो भी वीडियो बन रहा है, जितना क्वेश्चन का, इतना क्वेश्चन का तीसरा वीडियो बन रहा है। दो वीडियो बना जिसमें आवाज़ें नहीं आया, आवाज़ अटर पटर है, मतलब कि झरझराहट है, तो आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको क्या अच्छा लगेगा, इसलिए हम फिर से वही वीडियो बनाए और उसमें भी ख़राब हो गया तो फिर से वही वीडियो बना रहे हैं। यानी कि एक वीडियो का हम तीन वीडियो में अधिक किए हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन का वीडियो 3 को बना है, जब इसमें 2 ख़राब हुआ, आज तीसरा है, लास्ट में पता चलेगा कि कैसा वीडियो बन रहा है, ठीक है। दोस्तों, आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व होगा, इससे पीछे सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्षों में 6,000 रुपया ब्याज मिलता है, तो राशि बताएं। दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम एक ही फॉर्मूला बताए हुए हैं, ब्याज बराबर SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर बताए हुए हैं P×R×T बट्टा में 100, जिसका जिसका जहाँ दिया वहाँ मन पुट कर दिए, बस यही फॉर्मूला से पूरा हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि बनाए हुए हैं। ब्याज बोला है 6,000 रुपया, तो ब्याज की जगह लिख दीजिए आप 6,000 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल पता नहीं है, मतलब मूलधन पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, राशि कितना, दर कितना है 12%, तो 12 टाइम है 1 साल, तो 1 बट्टा में 100, ठीक है। चलिए 12 से करिए, 12×5=60 और 2×0, देखिए बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, ठीक है। 100 इधर भाग में, इधर के दुगुना में, तो 500 पहले से है, 2×0 जाके और बढ़ जाएगा, इधर प्रिंसिपल रह जाएगा। यानी कि मूलधन पूछा है, राशि पूछा है, राशि है या 50,000 रुपया, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है, कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके दगा दिया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कोई राशि 2.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 1,275 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। यहाँ जो दिया है 1,275 रुपया, दोस्तों ये मिश्रधन दिया हुआ है, सूद और मूल को जोड़कर, मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़कर मिश्रधन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2.3/4 का मतलब क्या है, 4×2=8, 3×11=4, 11/4 4% के लिए बट्टा में 100, ठीक है, ये हो गया। और टाइम कितना है 10 वर्ष, तो × 10 ये परसेंटेज ब्याज निकाला है, ठीक है। 1×0=1 कर देगा, ऊपर हुआ 11×11=10×40, ठीक है। ये 2.3/4 के मान इतना हुआ, ठीक है। आप ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसको जोड़ लीजिए, 40×11=51/40। चलिए, ये होल वैल्यू निकल गया, परसेंटेज जो दिया है उसका होल वैल्यू निकल गया। आपसे राशि पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है, मूलधन मिश्रधन पता है कितना, 1,275 रुपये मिश्रधन है, ये 1,275 दो है दोस्तों, ये मिश्रधन हुआ, हमको मूलधन निकलना है। तो जब मिश्रधन पता हो और मूलधन निकलना है तो इसी होल वैल्यू का उल्टा गुना, 40 ऊपर और 51 नीचा, ठीक है, काट सट कर दीजिए, 17×51 और 17×119 17×50 फिर 3 से कर देगा 25 बार में, 25×4=100 और 10, यानी 1,000 रुपया राशि हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज 2,835 रुपया हो, यदि 6 माह का साधारण ब्याज 236.25 रुपया हो, तो मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों, आप दो को साधारण ब्याज दिया है, किसी पर भी निकाल सकते हैं। चलिए आपको 6 महीने पर निकाल के बताते हैं, ठीक है। क्या दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, SI=P×R×T/100। यह कितना दिया है ब्याज, कितना दिया है, 236.25 रुपया,
236 रुपया 25 पैसा, मूलधन पता नहीं है, दर पता है 10.5%, टाइम पता है 6 महीना मतलब 1/2 साल, ठीक है। आई बटा में सब फार्मूला वाला, ठीक है, 10 हटाइएगा तो बटा में 1 0 आएगा, 5 से कटेगा 21 बार में 5 से कटेगा 15 10 1 0 2 0, ठीक है, 21 से काटिए तो इसको कटेगा 10 हटाइए बटा में 2 0 आएगा, ई 2 0 सही 2 0 कट जाएगा, ठीक है। चलिए 21 से काटिएगा तो 21 से कटिएगा तो 21 से कम 21 2 2 पर 6 26 1 कम 21 से कम 21 4 सॉरी 10 2 2 5 2 5 है 2 5 है, तो 21 से कम 21 2 2 पर 6 26 21 से कम 21 5 5 पर 2 52 21 दूना 42 21 5 105 2 2 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में इधर पी रह जाएगा, इधर 4 से गुना कर दीजिए तो 4 5 20 4 2 8 2 10 आ 4 1 2 44 आ 45 45 रुपये है का ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए, ये साई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अब बट्टा में 100। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज जो है ना मूलधन क्या था है, तो ब्याज मान लेते हैं कि पी रुपया, सॉरी मूलधन मान लेते हैं पी रुपया, तो ब्याज कितना होगा पी बाई 2 रुपया, आधा मतलब 2 से भाग देना। देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इस पर मान डाल रहे हैं, तो पी रुपया मान लीजिए मूलधन है, चाहे एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए जो भी माना है मान लीजिए, मान लीजिए कि उसका मूलधन जो है पी रुपया है, तो ब्याज कितना आधा मतलब पी बाई 2 ये ब्याज हो गया, ठीक है। और रेट दिया है 8%, समय दिया है 6 वर्ष, अब बट्टा में सब फार्मूला वाला, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट गया, पी पी कटिएगा तो प्रिंसिपल निकलेगा कहाँ से, नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा सी एन डी, कैनॉट डिटरमाइन मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अधूरा है, डाटा इनवायलेट है, जो कहिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, मतलब कि मूलधन नहीं निकल सकता है, ठीक है, मूलधन कट जा रहा है इसमें। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि कोई धन एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज पर उधार दिया गया लिया गया, यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 259 रुपया 20 पैसा कम ब्याज देना पड़ता, मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर हम रुपया लिए, ब्याज के दर यदि 1% कम होता ना तो हमको 236 रुपया कितना है 259 रुपया 20 पैसा कम देना पड़ता, तो मूलधन बताया रे, ठीक है। चलिए रेट में कमी प्रतिशत रेट है, रेट रेट में 1% कमी होता, 1% समय तो उतना ही रहता, 3 साल रहता, ठीक है। और ब्याज कितना आ गया है इसको, ब्याज इसमें 259 रुपया 20 पैसा कम देना पड़ता, तो चूंकि प्रतिशत में कितना कम देना पड़ता, तो आर इंटू टी होता है परसेंटेज ब्याज, 3 1 3, तो चूंकि प्रतिशत ब्याज में 3% कमी देना पड़ता, जबकि रियल में 259 रुपया 20 पैसा कम देना पड़ता बराबर, ठीक है। चलिए मूलधन होता है 100% 100% का मान निकाल दीजिए, तो 259.20 बट्टा में 3 चलाएगा, 100 का मान निकाला था 100 से गुना, 10 हटाइए तो बट्टा में 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटिए तो 9 2 11 5 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 8 24 1 पर 9 3 6 18 3 4 12 1 0 यानी कि 8640 रुपये आपका मूलधन हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में 2100 रुपया तथा 5 वर्षों में 2250 रुपया हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर बताए। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है, कोई राशि है जो 2 साल के लिए हम लगाए सूद पर तो उधर से 2100 रुपया दे गया है, और 5 साल के लिए वही रुपया लगाए तो 2250 रुपया, तो रेट और मूलधन दोनों पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा,
2 साल में उसको 2100 रुपया आ रहा है, और वही रुपये वह 5 साल छोड़ दे रहा है तो 2250 रुपया आ जा रहा है, 2250 रुपया। ठीक है, तो पहले देख लीजिए मूलधन कितना है, तो ऐसे बनाइएगा, देखिएगा समय में अंतर कितना का है, 3 साल का है, इधर रुपया में अंतर कितना है, 150 रुपया का है। दोस्तों साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज होता है ना प्रत्येक साल का समान होता है, तो चूँकि 3 साल में ब्याज कितना रहा है 150 रुपया, तो 1 साल में कितना, इसलिए 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 से कर जाएगा, 350 बार में कर जाएगा, यानी 1 साल में 50 रुपये ब्याज आया है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है दोस्तों, ये जो है दोनों है ना 2100 2250, ये मिश्रधन हुआ, तो 2100 रुपया मिश्रधन है, सूद प्लस मूल, और जिसमें 2 साल में 2 साल का ब्याज इसमें मिलल है, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना, 100 रुपया, 100 इसमें से घटा दीजिए मूलधन बच जाएगा, मतलब कि 2000 रुपया मूलधन हो गया। ठीक है, कितना, 2000 रुपया मूलधन हो गया। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, ये 5 साल का है तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया, तो 5 साल का कितना, 250 रुपया, 250 इसमें से घटा दीजिएगा तो 2000 बच जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रिंसिपल तो खैर निकल गया आपको, प्रिंसिपल निकल गया, अब रेट निकलना है, तो रेट निकलना है ध्यान दीजिएगा, 50 रुपये ब्याज आया है कितना रुपया पर, तो 2000 पर, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, 1 2 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से कर जाएगा 2.5 बार में, 2.5% आप कैंसिल हो जाएगा, और नहीं तो 2.1/2% जो दे दीजिए आप, देख लीजिए कौन ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, तो 2.5% है का ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, 2000 और 2.1/2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी धन का 3.3/4% की दर से 2.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P×R×T बट्टा में 100, 210 रुपये ब्याज दिया था, 210 लिख दिए, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता है, रेट पता है, 3.3/4 ठीक है, समय कितना है, समय है 2.1/3, 3×6=7/3, 7/3, अब प्रतिशत वाला फॉर्मूला वाला 100/ में, ठीक है काटिए, 3 से कर जाएगा 5 बार में, 7 से कर जाएगा 30 बार में, 5 से कर जाएगा 6 बार में, इधर पी रख लीजिए, 400 इधर भाग में उधर गुना में, तो 6×24 और 2×0 यानी कि 2400 रुपया है का ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर सी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक दर से 840 रुपये हो जाती है, तो राशि बताएं, यहाँ मिश्रधन दिया है तो मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, मूलधन निकालना है, क्या करेंगे, 840 रुपये मिश्रधन लिख दिए, और ध्यान दीजिए 5% के लिए 1 साल, तो 12 महीने के 1 साल बोलते हैं, तो 5% रखिए ना, 5×5 तो 5% का मान, 5×5 5×20 बार में, अब ब्याज है तो जोड़ दीजिए, परसेंटेज ब्याज हमेशा बढ़ता है, ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो 20 में 1 जोड़िए 21 बट्टा में 20, होल वैल्यू का उल्टा गुणा कीजिए, 20 ऊपर 21 नीचा, 21×84=0, 4×2=8 और 2×0 यानी 800 रुपया हुआ। ठीक है, 800 रुपये में से मूलधन हुआ। ठीक है, ऑप्शन हाँ ऑप्शन और बी में है। दोस्तों 8-8 क्वेश्चन के हम पार्ट बनाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। दोस्तों मेरा कुछ तबीयत खराब है जिसके कारण हमें वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और मेरा माइक भी खराब था 12-15 दिन में, ठीक है, इसलिए 10-12 दिन से आपको वीडियो नहीं मिला है, लेकिन पता होगा आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू।